सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे थे। अब तक मैंने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं। तो देखिए, अब तक हमने क्या डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। नाउ इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल क्या है, वो सेम है। तो मैंने आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों इक्वेशंस बेसिकली दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइंस कैसी भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं, राइट। तो अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। कहने का मतलब है कि वो कॉमन पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स उनका कॉमन पॉइंट क्या है, वही सॉल्यूशन होगा। सेकंड मेथड होता है एलजेब्राइक मेथड्स। एलजेब्राइक मेथड्स में हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सो ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। नाउ कम टू एलजेब्राइक मेथड्स। एलजेब्राइक मेथड्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इस साल के सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, तो कोई भी इक्वेशन आप इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर हमें ग्राफिकल मेथड मालूम हो गया कि जिसमें हम सिंपली दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाकर ये देख लेते हैं कि लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनका कॉमन पॉइंट क्या है, वही सॉल्यूशन होता है, तो फिर एलजेब्राइक मेथड्स का क्या यूज है। यहाँ पर हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले दो पॉइंट्स निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप दो पॉइंट्स निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्स को जीरो किया तो यहां पर वाई आ गया 1/√3, और फिर आपने वाई को जीरो किया इस इक्वेशन में तो एक्स आ गया 1/√2, तो पॉइंट्स आपको मिल गए। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के दो पॉइंट्स निकालिए। पहले आपने एक्स को जीरो किया तो यहां से वाई आ गया 2/√2, और फिर वाई को जीरो किया तो एक्स आ गया यहां पर 2/√3, तो पॉइंट्स आपके पास हो गए। तो अब आप ये ध्यान दीजिए, क्या आप इन पॉइंट्स को एक्यूरेटली और इजीली आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे तो आपके पास सॉल्यूशन भी एक्यूरेट नहीं होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऐसे आ जाएं, लाइक डेसिमल में आ जाएं, फ्रैक्शन में आ जाएं, जो कि इंटीजर्स ना हो, मीन्स नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हो उनकी, तो हम इजीली प्लॉट नहीं कर सकते उसको और हमारा सॉल्यूशन भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तब हम एलजेब्राइक मेथड्स का यूज करके सिंपली क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं और जिससे आपके पास एक्यूरेट आंसर आ जाता है, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम दो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं इन टू वेरिएबल्स, राइट, और हम इन दोनों इक्वेशंस को नेम कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। नाउ पहले स्टेप में आपको ये जो वेरिएबल्स गिवन हैं, इनके कोफिशियंट्स देखिए। यहाँ पर क्या है, x का कोफिशियंट 2, यहाँ पर 3। सिमिलरली y का कोफिशियंट यहाँ 3 है और यहाँ y का कोफिशियंट है 5। तो पहले स्टेप में हमें सिंपली ये करना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट्स आपको सेम करने हैं, राइट। देखिए मैं x के कोफिशियंट सेम करती हूँ, आप y के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम कैसे होंगे, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहां पर 6x प्लस 3 × 3 9 9y इज इक्वल टू 1 × 3 3, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को कह दिया इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड इक्वेशन को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 6x प्लस 5 × 2 10y और 2 × 2 4, इसको आपने इक्वेशन 4 कह दिया। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। नाउ सेकेंड स्टेप में हमें सिंपली जो इक्वेशंस मल्टीप्लीकेशन के बाद आई उनको ऐड करना होता है दोनों को, या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अब कैसे मालूम होगा कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो हमारा पर्पस ये होता है कि सब्ट्रैक्ट या एडिशन के बाद सिंपली इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह जाए। तो अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए 6x और -6x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए थर्ड इक्वेशन को 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, या 4 को 3 से कर दीजिए,
तो अल्टीमेटली ये जो टर्म है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन थ्री में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फोर, ठीक है। अब आप माइनस साइन लगाएंगे और यहां पे जो प्लस टेन था इसका साइन हो जाएगा माइनस, यहां प्लस फोर था इसका साइन हो जाएगा माइनस, और ये करना आप ना भूलें। नाउ प्लस सिक्स और माइनस सिक्स क्या हो गया, कैंसिल। प्लस नाइन वाई और माइनस टेन वाई ये हो गया माइनस वाई। सिमिलरली थ्री माइनस फोर दैट विल बी माइनस वन, तो यहां से आपके पास y आ गया 1। सिंपल। नाउ स्टेप थ्री में क्या करना है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई उसको आप किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन 1 में रख देती हूं, तो ये हो जाएगा 2x plus 3y। तो y क्या था, 1 is equal to 1, तो यहां से हमें मिल गया 2x। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सिंपल। वन थिंग मोर, हमने यहाँ पर x के कोफिशियंट्स को सेम करा था, हम यहाँ पर y के कोफिशियंट्स को भी सेम कर सकते थे। कैसे करते, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को तो क्या हो जाता 15y, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 15y, और आप सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा ये मेथड। सो नाउ यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट सेम करने हैं। तो हम अगर x को लेके चलें तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास क्या गई, 2x plus 2y is equal to 10, दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें दोनों इक्वेशन मीन्स ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को क्या करना होगा, या तो सब्ट्रैक्ट या एडिशन, इस तरह से देखना है कि हमारी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचे। तो हम अगर 2x और माइनस 2x हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इक्वेशन 2 में से 3 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 2x plus 2y is equal to 10, माइनस किया तो प्लस 2y का माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 10 का माइनस 10, साइन चेंज हो गया। नाउ ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 3y और माइनस 2y हो गया माइनस 5, और 4 माइनस 10 दैट विल बी माइनस 6, और y इज इक्वल टू 6। नाउ थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि y की ये वैल्यू किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू है 6/5 इज इक्वल टू 5। नाउ x सिंपली क्या हो जाएगा, 5 - 6/5, एलसीएम लिया तो 5 25 - 6, सो दिस इज 19/। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले आप नेमिंग कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट स्टेप में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट्स को सेम करिए। तो देखिए यहाँ पर y का कोफिशियंट 4 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 4y, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई आपके पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, तो इसको आपने इक्वेशन 3 कह दिया। अब जो इक्वेशन बची मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इनको देखिए दोनों को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। भाई अगर हम ऐड कर देंगे तो सिंपली 4y और माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ऐड किया तो हमें साइन चेंज नहीं करने होते, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो गया, प्लस 3x 4 प्लस 4x 7x हो गया, और ये हो गया 14, ठीक है। तो अब x की ये वैल्यू किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, 3 × 2 + 4y = 10, तो 4y = 10। वन थिंग मोर कि ये सारे स्टेप्स आपको लिखने होंगे तभी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि दोनों इक्वेशंस अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे 3x - 5y, और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले लिया तो माइनस 4 हो गया प्लस 4, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। सिमिलरली 9x और प्लस 2y को इधर लिया लेफ्ट हैंड पे, माइनस 2y हो गया, और कांस्टेंट हमारा राइट हैंड साइड पे रह गया, दिस इज इक्वेशन 2। तो देखिए यहां पर कोफिशियंट हम x के सेम कर देते हैं, यहां 9x है, इसको 9 बनाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 9x - 15y इज इक्वल टू 12, सो दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब ये देखिए जो बची थी इक्वेशन वो सेकंड बची थी, तो अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी प्लस 9 है और यहां पर भी प्लस 9 है। तो किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ये और ये कैंसिल हो गया, -2y और +15y 13y हो गया, 7 - 12 दैट इज -5, तो y हो गया -5।
नाउ वाई की ये वैल्यू किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन वन में रख देती हूँ। सो इक्वेशन वन हो गया 3x माइनस 5y, तो माइनस 5 ओवर 13 इज 4, सो 3x इज प्लस 25 बाय 13 इज 4। तो सिंपली ये हो गया 3x इज 4 माइनस 25 बाय 13, तो 3x इज एलसीएम लिया 13, 4 इंटू 13 विल बी 52 माइनस 25 एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ x क्या हो जाएगा, 3 से आपने डिवाइड किया, 27 बाय 13 इंटू 1 बाय 3, सो ये हो गया कैंसिल हुआ, तो 9 बाय 13। ठीक है, सो आपको लिखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9 बाय 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 13। सो फोर्थ पार्ट में आप ये देखिए, यहाँ पर कोफिशियंट्स जो हैं वो फ्रैक्शन में हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए और इनका ये फ्रैक्शन पार्ट हटाइए। तो इसको आप एलसीएम लेके कैसे कर सकते हैं, सिंपली एलसीएम लिया 2 और 3 का, ये हो गया 6, 6 को डिवाइड करा 2 से आया 3 और 3 इंटू x, 3x, सिमिलरली 4y इज इक्वल टू माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 को तो हमें मिला माइनस 6, दिस इज योर इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, तो इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ तो कोफिशियंट्स x के ऑलरेडी सेम है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उस पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्लस 4y इज माइनस 6, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल, माइनस वाई माइनस 4y इज माइनस 5y, 9 प्लस 6 विल बी 15, तो y आ गया 15। अब y की ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आ गया 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, तो 3x माइनस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स की जो आगे गिवन है उनमें आपको दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, ठीक है, और फिर एलिमिनेशन मेथड से उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको गिवन है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इट बिकम्स हाफ, मतलब इट मीन्स फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, फ्रैक्शन हाफ हो जाता है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन हो जाता है हाफ। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं x बाय y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करा और डिनोमिनेटर से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करा तो फ्रैक्शन हो रहा था 1, ठीक है। अब आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 इज y माइनस 1, सो ये हो गया x माइनस y और माइनस 1 माइनस 1, सो ये हो गया आपके पास x माइनस y इज माइनस 2, दिस इज योर इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपसे कहा गया है फ्रैक्शन हाफ हो जाता है अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, मींस न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो वो हाफ हो जाता है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x और y प्लस 1, तो यहां से मिला 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ अब सॉल्यूशन फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, मैं जो हूं x का कोफिशियंट सेम कर देती हूं, यहां 2 है तो यहां 1 है, तो इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको मिल गया 2x माइनस 2y और माइनस 4, तो ये इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या आती है, ये वाली, तो अब देखिए यहाँ प्लस 2x है, यहाँ प्लस 2x है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया ये और ये कैंसिल, माइनस वाई प्लस 2y विल बी y, 1 प्लस 4 इज 5, तो ये आपका y आ गया। अब y की ये वैल्यू आप किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मीन्स इसमें या इसमें, तो मैं इक्वेशन 1 में रख देती हूँ, तो x माइनस y था, मीन्स x माइनस 5 इज दिस, तो x इज माइनस 2 प्लस 5, तो x इज 3, ठीक है, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या हो गया, तो देखिए आपको स्टेप्स लिखने होंगे कि हमने इसे मल्टीप्लाई किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, मैंने वो चीज स्किप कर दी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 5 इयर्स अगो, मींस 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मींस जितना ओल्ड सोनू था उसका 3 टाइम्स ओल्ड नूरी थी, ठीक है। 10 इयर्स लेटर, मींस 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो सोनू के एज की 2 टाइम्स होगी, ठीक है। नाउ आपको बताना है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मींस अब वो प्रेजेंटली कितने एज के हैं, तो आप प्रेजेंट एजेस को मान लेते हैं, राइट।
नाउ 5 ईयर्स अगो उनकी कितनी एज होगी? अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो सिंपली एक्स में से 5 साल माइनस कर दीजिए, प्रेजेंट एज में से 5 साल माइनस कर दीजिए, सिंपल। अब कहा गया था कि नूरी की एज जो थी वो 3 टाइम्स थी सोनू के एज की, ठीक है। अब सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 3y-15, सो एक्स माइनस 3y-15 प्लस 5, तो x दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ 10 ईयर्स लेटर मीन्स 10 साल बाद क्या एज होगी? सिंपली प्रेजेंट एज में 10 साल आप ऐड कर दीजिए। अब क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 10 साल बाद नूरी की एज जो होगी वो 2 टाइम्स होगी सोनू के एज की। सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस 10 इज 2y+20, सो x माइनस 2y और हो गया 20-10, दैट इज 10, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब आप देखिए इसे सॉल्व करिए एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ x का कोफिशियंट क्या है 1, यहाँ पर भी 1, तो हमें कोफिशियंट तो सेम करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, यहाँ प्लस 1 है और यहाँ पर भी प्लस 1 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों इक्वेशंस को, माइनस का प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2y+3y इज y, 10+10 इज 20, तो y इज इक्वल टू 20। अब y की ये वैल्यू किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो x माइनस 3y दैट इज 20 इज माइनस 10, तो x माइनस 60 इज माइनस 10, तो आपने x माना था ये हो गई 50 ईयर्स और इसकी एज y मानी थी ये हो गई 20 ईयर्स, एंड इट्स सिंपल। नाउ थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-डिजिट नंबर इज 9। एक 2-डिजिट नंबर है जिनके दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 9 है, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन जो है वो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2-डिजिट नंबर हम लिखते कैसे हैं। सपोज करिए कोई 2-डिजिट नंबर है 42, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4×10+2, दैट विल बी 40+2 एंड दैट इज 42, सिंपल। तो इस 42 में जो डिजिट्स थे क्या थे, 4 और 2, तो आपने सिंपली क्या किया, 10th प्लेस पे जो डिजिट था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस यूनिट डिजिट वाला नंबर लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2-डिजिट नंबर एज्यूम करते हैं, तो नंबर को अब हम कैसे लिख सकते हैं, 10×x मीन्स 10x प्लस y, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 10th प्लेस पे डिजिट है और y जो है वो नंबर है जो 1st प्लेस पे डिजिट है, ठीक है, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो हमेशा 2-डिजिट नंबर आपको इस फॉर्म में एज्यूम करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस था कि दोनों डिजिट्स का सम, तो डिजिट्स क्या हो गए, x और y, मीन्स x प्लस y क्या थे, 9 थे। आगे पढ़िए, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को, 2-डिजिट नंबर को, तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, 2 टाइम्स द नंबर, आगे पढ़िए, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। किस नंबर के बराबर हो जाएगा, उस नंबर के उसके डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें, मीन्स यूनिट प्लेस वाला नंबर 10th प्लेस पे आ जाएगा और 10th प्लेस वाला नंबर यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, ये मतलब हो गया रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 90x+9y-20y इज 0, सो दिस इज 88x-11y इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। अब यहां देखिए कैसे इसे सॉल्व करें, तो मैं जो हूं y का कोफिशियंट जो है सेम कर देती हूं, तो यहां 11 है, यहां 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये सिंपली हो गया 11x+11y इज इक्वल टू 99, इसको आपने इक्वेशन 3 कह दिया। अब दूसरी इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए, हम -11y है और यहाँ +11y है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 99x और ये हो गया 99, तो x क्या आ गया यहाँ से 99/99 दैट इज 1, सो x इज इक्वल टू 1, सिंपल। अब x की ये वैल्यू किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ, y आ गया यहाँ से 9-1 दैट इज 8, तो 2-डिजिट नंबर हो गया हमारे पास 10×x मीन्स 10×1 प्लस 8, दैट विल बी 10+8 दैट इज 18 एंड इट्स सिंपल। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, मीना बैंक गई और उसने ₹2000 निकाले, ठीक है। फर्दर गिवन है कि शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो टोटल नोट्स जो मीना को मिले 50 और 100 के मिला के वो 25 नोट्स मिले। आपको ये फाइंड करना है कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 शी रिसीव्ड, मीन्स मीना को कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 50 के नोट जो थे वो एक्स थे और 100 के नोट कितने थे वो वाई थे। तो देखिए टोटल नोट्स कितने उसे मिले थे, 25, तो 50 प्लस 100 के नोट्स हो गए 25,
दिस इज योर इक्वेशन वन। दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? तो टोटल जो अमाउंट उसने निकाला था वो 2000 था, तो अगर 50 के नोट x थे तो 50 वाला अमाउंट हो गया 50 इंटू एक्स, ठीक है, और 100 वाला अमाउंट कितना हो गया 100 इंटू वाई। सो ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब सिंपली क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू, यहां पर हो गया 5 5 25 5 5 2 10, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां साइन चेंज हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 100y माइनस 50y इज 50y और 2000 माइनस 1250 विल बी। अब y की ये वैल्यू आप किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करिए, तो मैं इक्वेशन 1 में रख देती हूँ। तो यहां से हमें x क्या मिल गया, x प्लस 15 इज 25, तो यहाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। तो लास्ट क्वेश्चन गिवन है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। गिवन है कि एक लाइब्रेरी है, जब वो कोई बुक देती है तो शुरू के पहले 3 दिन में एक फिक्स्ड चार्ज है उसका, ठीक है, और फिर 3 दिन के बाद हर दिन का एक एडिशनल चार्ज लगता है, राइट। फर्दर गिवन है कि सरिता ने ₹27 लाइब्रेरी को पे करे एक बुक के जो उसने 7 days के लिए रखी थी, ठीक है, और दूसरी जगह सूसी ने जो है वो ₹21 पे किया एक बुक का जो कि उसने 5 days रखी थी। तो आपको फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज पर डे मालूम करना है, राइट। नाउ पहला केस लेते हैं, सरिता ने कितने रुपीस दिए, ₹27 दिए, ठीक है, बुक कितने दिन के लिए रखी थी, 7 days, तो शुरू के 3 दिन तो फिक्स चार्ज कुछ लगा होगा, ठीक है, अब 7 में से 3 हटा दिए, बचे कितने 4 days, अब 4 days में एडिशनल चार्ज पर डे कितना था y, तो कितना पे करना पड़ा होगा उसे 4y, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन में सूसी ने कितना पे किया 21, कितने दिन के लिए बुक रखी थी 5 दिन, तो शुरू के 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगा प्लस बचे कितने 2 days, 2 days के लिए उसे एडिशनल पे करना पड़ा होगा और एडिशनल चार्ज क्या था एक दिन का y, तो हो गया 2 into y, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब यहां देखिए सॉल्व कैसे करना है, x का जो कोफिशियंट है दोनों जगह क्या है 1, सिंपली हमें सब्ट्रैक्ट कर दें अगर आप दोनों इक्वेशन को, यहां साइन चेंज यहां साइन चेंज, तो 4 minus 2y, सो 4y minus 2y is 2y, ये और ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज 6, तो यहां से y आ गया 3। अब y की ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो मैं इसमें रख देती हूँ, यहां से x प्लस 4 into 3 is 27, तो x इज 27 minus 12, सो x इज 15, ठीक है, सो फिक्स चार्ज तो हो गया ₹15 और एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था ₹3, दिस इज योर आंसर एंड इट्स सिंपल। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।